पर उतार चढ़ाव के लिए रास्ते की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर गए। धरना दे रहे लोगों ने अपने कई त्योहार इसी धरना स्थल पर मनाए गए। एक बार फिर लोगों ने गोवर्धन पूजा भी धरना स्थल पर ही की गई। जेवर हाईवे पर उतार चढ़ाव की मांग को लेकर एक महीने से लगभग ग्रामीण लगातार धरने पर हैं और दीपावली के पर्व की बात करें और आज गोधन जो है उसका पूजन यहां पर होना है, तो दीपावली का पर्व भी धरने पर लोग बैठे उन्होंने यहीं पर मनाया और आज गोधन की जो पूजा है वो धरना स्थल पर यहां पर की जा रही है। एक बार आपको दिखा दूं, धरना स्थल जो है वो यहां पर मौजूद है। तमाम जो आसपास के 25 से 30 गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं और तमाम महिलाएं यहां पर जो गोधन पूजन है उसको करने के लिए यहां पर पहुंची है। महिला भी है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम आपका? रेखा चौधरी। रेखा जी, लगातार अपनी मांग को लेकर आप धरने पर बैठे हैं और सारे त्योहार आपके धरने पर निकल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? हमारी सारे धरने यहाँ पर, एक्चुअली आज एक महीना पूरा हो चुका है। एक महीने से हम अपने उतार चढ़ाव को के लिए अधिकार है, जो हमारा अधिकार है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर हमारी 44 एकड़ जमीन अलग से और रोड के लिए अलग से एक्वायर करी थी, जो जिसमें उतार चढ़ाव के लिए कट था 44 एकड़ जमीन, उसके लिए एक्वायर करने के बाद उन्होंने यहाँ पर किसी कारणवश वो कट यहाँ से शिफ्ट कर दिया था। उसको जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि यहाँ से कट शिफ्ट कर दिया गया है, तो हमारे गांव के सभी लोगों ने, मौजूद लोगों ने एक पंचायत महापंचायत करी और निर्णय लिया गया कि यहाँ पर या तो सरकार हमारी मांग मानती है, हमारी बात को सुनती है, नहीं सुनती है तो हम यहाँ पर धरना रखेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार से हमारी एक कमेटी बनी थी, मौजूद आदमी के लोग, मौजूद इलाके के सभी लोग वहाँ पर मिलने के लिए गए थे मंत्री जी से, लेकिन मंत्री जी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं यहाँ पर जो कट है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर्याप्त, मतलब हर गांव में कट नहीं दे सकता, उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया। लगभग एक महीने से आप धरने पर हैं और आज गोधन की जो पूजा है त्योहार आप धरने पर मनाने के लिए मजबूर हैं, क्या कुछ चेताना चाहेंगे सरकार? हम सरकार को चेताना चाहेंगे कि अगर सरकार हमें हल्के में ले रही है कि ये हम परेशान करके या हमें समय लगने के बाद कि वो सोचते हो कि हम उठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ के सभी लोगों ने, सभी माताओं ने यह निर्णय ले लिया है कि अब जो भी त्यौहार आएगा वो सभी त्यौहार यहाँ धरना स्थल पर मनाए जाएंगे। कुछ धरना लगातार जारी रहेगा, जो महिला है, जो पुरुष है, वो लगातार अपना जो त्यौहार है वो यहाँ धरने पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप महिलाएं आपको देखेंगी तमाम सांस्कृतिक गीतों के साथ में यहाँ गोधन की पूजा लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ पुरुष भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, लगातार धरना आप दे रहे हैं, लगभग एक महीने का समय हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी उचित जवाब आपको नहीं मिला। तमाम त्यौहार आप मनाने, धरने पर मनाने के लिए मजबूर है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने हमारी सरदारी के साथ साथ हमारी मतलब माता बहनों को मजबूर कर दिया है धरने पर त्यौहार मनाने के लिए। हमने दिवाली को भी एक मतलब काली दिवाली के रूप में मनाया है। आज श्री गिरिराज महाराज की पूजा हमारी भाभी, हमारी माता यहाँ पे मना रही हैं और ये बहुत ही दुख का दिन है कि सरकार को 31 दिन होने के बावजूद में सरकार का कोई भी अधिकारी, विधायक, सांसद कोई भी धरने पर नहीं पहुँचा है। बिल्कुल, लगातार पूरी पब्लिक जितने भी धरने पर यहाँ पर लोग पहुँचे वो लगातार रोष में है और मैं एक बार दृश्य आपको दिखा दूं कि तमाम जो महिलाएं, वो देखिए किस तरह संगीत के साथ में जो गोधन महाराज की पूजा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महीने से धरने पर चलने के बावजूद सरकार इनकी मांगों को मानने को अभी तैयार नहीं है और जो तमाम जो गाँव की महिलाएं और बुजुर्ग हैं वो यहाँ धरने पर लगातार अपने त्यौहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा